स्वागत है भाइयों आप सभी के अपने भाई के चैनल कॉम्प्लिकेटेड स्पोर्ट्स में। तो भाइयों इस वीडियो में जो हम बात करेंगे लैजियो और जुवेंटस के बीच जो मुकाबला खेला जाएगा उसके बारे में, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो कोशिश करें वीडियो को पूरा देखने की क्योंकि आपका ही फायदा होने वाला है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप अपने इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने इस भाई को सपोर्ट करते। चलिए भाइयों बात कर लेते हैं मुकाबले की बिना कुछ बकबक किए, क्योंकि आप भी फटाफट वीडियो पूरा देख पाएँ इसलिए शॉर्ट में बना देता हूं। तो मैच डिटेल्स बिल्कुल यहां पे आप देख सकते हैं, या जो मुकाबला है स्टेडियो ओलंपिको में खेला जाएगा, मैच डिटेल्स यहां पे मैंने दे रखा है, बिल्कुल देख सकते हैं। और वहीं बात कर लेता हूं टीम न्यूज की, तो आपको बता दें इंजर्ड जो है जुवेंटस की तरफ से मैंडुजिक हैं, ब्राजिकली हैं, पाजनिक हैं, कुरवाडो हैं और यहाँ पे खदेरिया, तो ये इंजर्ड प्लेयर की लिस्ट है जुवेंटस की तरफ से, आप बिल्कुल एक बार गौर से देखिएगा। और वहीं बता दें आपको लैजियो की तरफ से जो है अकरबी और यहाँ पे मारुसिक जो कि सस्पेंड कर दिए गए हैं। और वही इंजर्ड प्लेयर की बात करें तो लैजियो की तरफ से लुइस फिलिपे जो इंजर्ड हैं, तो आप एक बार खुद से देखना चाहें तो बिल्कुल देख लीजिएगा टीम न्यूज, क्योंकि इंपॉर्टेंट रहती है, हो सकता है कहीं आप ऐसे प्लेयर को ले ले जो कि आज के मुकाबले में खेले ही ना, तो एक बार बिल्कुल देख लिया कीजिए टीम न्यूज। और वहीं बात करेंगे दोनों ही टीमों की जो प्लेइंग 11 रहने वाली इस मुकाबले के लिए, प्रोबेबल प्लेइंग 11 एक बार देखेंगे यहाँ पे। तो लैजियो की तरफ से आपको बता दें सर्तकोसा आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे, उनके बाद जो है बास्टोस हैं, वाल्के हैं, यहाँ पे राडू हैं, और उनके बाद जो है पारोलोल हैं, और मिलनाबिक साबिक हैं, लुकास लीवा हैं, लुलिक हैं, लुइस अल्बर्टो हैं, कोरेया हैं, और उनके बाद जो इम्बोली हैं। तो ये प्लेइंग 11 रहने वाले लैजियो की तरफ से। और वहीं जुवेंटस की तरफ से बात करें तो आपको स्कैनजेंसी, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नाम है इनका, स्कैनजेंस, ये आपको खेलते नजर आ जाएंगे, डिस्केगेलियो आपको खेलते नजर आ जाएंगे, उनके बाद जो है बॉन्सी खेलते नजर आ जाएंगे, चेलनी आपको खेलते नजर आ जाएंगे, एलेक्सेंड्रोस के मुकाबले में आपको खेलते नजर आ जाएंगे, उनके बाद जो है बेंटर है, एमरिकेन है, माटुडी है, डोगल्स कोस्टा है, दयाबला और रोनाल्डो आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे। तो ये प्लेइंग 11 रहने वाली जुवेंटस की, और आपको पता ही होगा कि कितनी अच्छी टीम है जुवेंटस, तो और प्रदर्शन भी इनका हमेशा अच्छा रहता है, तो आप टीम बना के चल सकते हैं उस प्रकार। तो चलिए मैं बता देता हूँ किस प्रकार आप बना सकते हैं इस मुकाबले के लिए टीम। तो अगर आप जा रहे हैं हेड टू हेड और स्मॉल लीग के लिए, तो आपके लिए जो स्कैनजेंसी है सबसे बेहतरीन पिक रहेंगे, क्योंकि बता दूं आपको सबसे सेफ और सबसे बेहतरीन पिक यही होंगे। आप यहाँ पे देखेंगे लगभग 78% लोगों ने लिया, और मेरे हिसाब से डिफॉल्ट चॉइस होने चाहिए आपकी टीमों में, हालांकि ये जो डिपेंड करता है कि आपका जो गोलकीपर, डिपेंड करता है आपकी टीम के कॉम्बिनेशन पे कि आप किस प्रकार से टीम का कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं। तो आप बिल्कुल जाना चाहें तो जा सकते हैं सर्तकोसा के साथ, ये भी आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे, तो इन दोनों में से ही किसी को चूज़ कीजिएगा। और वहीं बता दूँ डिफेंडर सेक्शन से, तो यहाँ पर बॉन्सी आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे, हालांकि बेहतरीन प्लेयर है लेकिन मेरे हिसाब से मैं यहाँ पे इनको ड्रॉप किया हूँ। और वहीं बता दूँ आपको चेलनी और एलेक्सेंड्रो यहाँ पे डिफॉल्ट पिक होने चाहिए आपकी टीमों में, क्योंकि आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे लगभग 84% लोगों ने इनको लिया, 85% लोगों ने, क्योंकि इनका प्रदर्शन जो था पिछले मुकाबले में बेहतरीन था, और सभी मुकाबलों में भी इनका प्रदर्शन जो है अच्छा ही रहा था, तो इस कारण से ये डिफॉल्ट पिक हैं इस मुकाबले के लिए। और एलेक्सेंड्रो की बात कर तो ये भी मेरे हिसाब से डिफॉल्ट पिक होंगे सभी की टीमों में, 85% लोगों ने इनको भी लिया क्योंकि इनका प्रदर्शन जो है काफ़ी अच्छा रहता है। हालांकि आप यहाँ पर चाहें तो चेलनी को ड्रॉप करके बाउंसी को ट्राई कीजिएगा, जरूर एक बेहतरीन पिक हो जाएंगे, 39% लगभग लोगों ने इनको ट्राई किया, तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं, हालांकि मैं यहाँ पर चेलनी को रख देता हूँ। तो यहाँ पर जुवेंटस के दो डिफेंडर मैंने ले लिया, और तीसरा जो मैंने लिया है जुवेंटस के तरफ से मार्टिनेस के लोगों, तो देखिए यहाँ पे क्रेडिट की समस्या आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे मैं तीनों को लेके चलने का सोच रहा था, और 0.5 पॉइंट रहती मेरे पास, तो यहाँ पे मैं बॉन्सी को भी ले लेता तो मेरे सबसे टीम जो है बहुत ही बेहतरीन हो जाती, या फिर यहाँ पे और भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर है जिनको मैं लेना चाह रहा था। और यहाँ पे मैंने जब वाल्की को लिया, इनके जगह पे मैं यहाँ पे लेना चाह रहा था इनको राडू को, अगर आप किसी तरह से क्रेडिट मैनेज कर पाएँ तो यहाँ पे इनको, राडू को जरूर लीजिएगा अपनी टीम में, यह बेहतरीन पिक होने वाले इस मुकाबले के लिए। हालांकि यहाँ पे वाल्के को रहने देता हूँ क्योंकि क्रेडिट की जो समस्या आ रही है। तो आप देखेंगे ये जो मेरे चार डिफेंडर रहने वाले हैं, 3 जुवेंटस की तरफ से और 1 लैजियो की तरफ से। और वहीं मिडफील्डर की बात करें तो पॉल डयाबाला मेरे हिसाब से डिफॉल्ट पिक रहने चाहिए, सभी की टीम में होंगे ये, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहता है इनका सभी मैचों में, और बहुत अच्छा प्लेयर है। यहाँ पे देखेंगे आप 86% लगभग 85 जरूर है, यहाँ पे मैं 86 मान के चलता हूँ क्योंकि मैच स्टार्ट होने से पहले आपको 86% जरूर दिख जाएंगे।
और वहाँ पे कुरवाडो को बात करते हो, देखिए कुरवाडो की अगर आप ट्राई करना करने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल ट्राई मत कीजिएगा। अभी तक इनका कोई जो है न्यूज़ नहीं आया, आप देखेंगे लगातार ये मुकाबला नहीं खेले हैं, तो ट्राई मत कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा रिस्क होगा। पाजनिक को भी ट्राई मत कीजिएगा, मेरे हिसाब से ये भी बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने कोरिया को जरूर ट्राई किया, उनके बाद जो मैंने मिलनोविक साविक को और माटुडी को ट्राई किया है। हालांकि आप यहाँ पर अगर कुछ अलग हटके जाना चाहे तो माटुडी को ड्रॉप करके कोस्टा को ट्राई कीजिएगा, एक बेहतरीन पिक हो जाएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्क हो जाएगा क्योंकि अगर हेड टू हेड और स्मॉल लीग के लिए अगर आप जा रहे हैं तो ये आप बिल्कुल ही ट्राई नहीं कर सकते हैं। क्योंकि डुगल कोस्टा की बात करें तो इनका प्रदर्शन सिर्फ पिछले मुकाबले में ही कुछ अच्छा रहा था और उससे पहले इनका प्रदर्शन कुछ अच्छा नहीं रहा था। वैसे माटुडी की बात करें तो माटुडी एक बहुत ही अच्छे प्लेयर है, आपको अच्छे से पता होगा। और वहीं बता दूं फॉरवर्ड प्लेयर में तो यहाँ पे रोनाल्डो तो मेरे हिसाब से सभी की टीम में होंगे, लगभग डिफॉल्ट पिक होंगे, ये सभी की टीम में होंगे, 88% लगभग 90% लोगों ने लिया है। और वहीं बात करें यहाँ पे कैरियो इम्पोबाइले को यहाँ पे मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, तो दो मेरे फॉरवर्ड के प्लेयर रहने वाले हैं। मेंडुजी तो नहीं खेलेंगे, इनको ट्राई करना ही नहीं है, तो कैप्टन वाइस कैप्टन, तो कैप्टन के लिए संदेह ही नहीं है, कोई ऐसा बात ही नहीं कि आप यहाँ पे कैप्टन किसको ट्राई करेंगे, रोनाल्डो ही सबके कैप्टन होंगे और हेड टू हेड में आपको इनके साथ ही जाना है, कोई रिस्क लेना नहीं है। और वहीं वाइस कैप्टन की बात करो तो देखिए माटुडी एक बहुत ही अच्छे पिक हो जाएंगे वाइस कैप्टन के लिए, लेकिन अगर आप जाना चाहें तो पॉल ड्रिया वाला भी बहुत ही अच्छे पिक होंगे। देखिए यहाँ पर रोनाल्डो के बाद अगर कोई कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए अच्छा पिक है तो मेरे हिसाब से दयाबाला हैं। पिछले कुछ मैचों के परफॉर्मेंस और इनका अभी तक का फॉर्म देख के तो मुझे ये लग रहा है कि ये भी अच्छे पिक हो जाएंगे, लेकिन अगर आप माटुडी को ट्राई करना चाहें तो सबसे हटके कुछ अलग पिक होगा, तो आप अगर ट्राई करना चाहेंगे तो एक बार जरूर इनको कैप्टन और वाइस कैप्टन ट्राई कर लीजिएगा। तो ये हमारी टीम रहने वाली इस मुकाबले के लिए, और अगर आप जा रहे हैं तो बिल्कुल एक चेंजेस अपने अनुसार करके जा सकते हैं। और अगर आपको अपने भाई का यह मेहनत पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने भाई के इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।